हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए वीन्स रेडिएशन लॉ पढ़ा था। तो वीन्स जो रेडिएशन लॉ था उसके बेस पे हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था उसका लोअर वेवलेंथ वाला पार्ट था वो एक्सप्लेन कर दिया था, और साथ में हमने क्या कर लिया था, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के द्वारा हमने ये भी प्रूव कर लिया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्सिमम है, वो हमारी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि जो वीन्स रेडिएशन लॉ था वो पार्शियली ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज हम देखते हैं रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स नियम, रेले जीन्स नियम, रेले जीन्स नियम है, अर्थात इन्होंने रेले और जीन्स ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इन्होंने भी अपना एक नियम दिया था, उस नियम को हम देखते हैं वो किस हद तक या कितना है वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया जो वीन ने किया था, क्योंकि तब तक क्वांटम मैकेनिक्स की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स थी उसी के कुछ नियमों को आधार बनाया और एक नियम डेराइव किया, उसको क्या कहते हैं अपन, रेले जीन्स का नियम कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो ब्लैक बॉडी थी, कर्षणिका थी, उस कर्षणिका के अंदर क्या थी, रेडिएशन थी, ठीक नहीं थी, रेडिएशन उसके अंदर भरी हुई थी, और यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही थी ई लैम्डा डी लैम्डा, उनका ग्राफ हमने प्लॉट किया था। तो कर्षणिका के अंदर जो विकिरण ऊर्जा घनत्व था, क्या था, विकिरण ऊर्जा घनत्व था, उसमें और इसमें एक रिलेशन होता है, कौन सी, उत्सर्जन क्षमता, वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, और जो कर्षणिका के अंदर जो विकिरणों का घनत्व था, ऊर्जा घनत्व था, उसमें एक रिलेशन था, वो क्या होता है अपना, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फोर यू लैम्डा डी लैम्डा, जहाँ यू लैम्डा डी लैम्डा क्या चीज़ है, इस कर्षणिका के अंदर ऊर्जा घनत्व है, क्या है, ऊर्जा घनत्व है। तो अगर ये हम प्राप्त कर लें तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको प्राप्त किया, किसको, कर्षणिका के अंदर जो था विकर्णी ऊर्जा घनत्व उसको उन्होंने प्राप्त किया। इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो परिकल्पनाएं मानी, क्या मानी, दो परिकल्पनाएं मानी। पहली तो उन्होंने मानी थी, वो क्या मानी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मानी, क्या मानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि किसी टेम्परेचर टी पे, किसी तापमान टी पर कर्षणिका की दीवारों में जो कण है, क्या है, कर्षणिका की दीवारों में उपस्थित कण है, वो टेम्परेचर टी पे क्या करेंगे, दोलन करेंगे, क्या करेंगे, दोलन करेंगे। अगर वो दोलन करेंगे तो क्या करेंगे, थर्मल रेडिएशन एमिट करेंगे, क्या करेंगे, ऊष्मीय विकिरण है उत्सर्जित करेंगे, और उन ऊष्मीय विकिरण से अपनी जो कर्षणिका है वो भर जाएगी। तो इनकी परिकल्पना क्या थी, इन्होंने कहा कि ये जो ऊष्मीय विकिरण है वो क्या करेंगी, इस कर्षणिका के अंदर परगामी तरंगों का निर्माण करेंगी, क्या करेंगी, परगामी तरंगों का निर्माण होगा। जो अपनी ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो थर्मल रेडिएशन है वो क्या करेंगी, परगामी तरंगों का निर्माण करेंगी। दूसरा उन्होंने क्या माना,
प्रत्येक प्रगामी तरंग के साथ जो ऊर्जा जुड़ी होगी वो ऊर्जा के सम विभाजन नियम के अनुसार कितनी होगी, के इंटू टी होगी। क्या होगी, के इंटू टी होगी। ये बात दो अजम्पशन थे किसके, रेले और जीन्स के थे, इसके बेस पे उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इन दोनों अजम्पशन के बेस पे हमें क्या निकालना है, यू लैम्डा डी लैम्डा निकालना है। तो यू लैम्डा डी लैम्डा क्या चीज है, ऊर्जा घनत्व। क्या है, ऊर्जा घनत्व। जबकि हमें पता है इन दोनों अवधारणाओं से कि एक अपरगामी तरंग के साथ ऊर्जा कितनी है, kT। अगर मैं इसमें प्रगामी तरंगों का संख्या घनत्व निकालूं, क्या निकालूं, संख्या घनत्व, प्रगामी तरंगों का संख्या घनत्व अगर मैं निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा कितनी प्रगामी तरंगे हैं एकांक आयतन में, उनको मैं गुणा कर दूंगा kT से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, u लैम्डा d लैम्डा मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें यहां तक, तो हम निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना कंसेप्ट क्या है, प्रगामी तरंगों का निर्माण। तो इसके लिए रेले और जीन्स ने इस ब्लैक बॉडी को क्या माना, एक घनाकार क्वार्टर माना। क्या माना, घनाकार क्वार्टर मान लिया था कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो एक घन के जैसी है और उस घन की भुजा की लंबाई क्या है, हमारी a है। क्या है, भुजा की लंबाई हमारी क्या है, a है। अगर अब उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि जो तरंगे हैं वो कैसी होंगी, प्रगामी तरंग होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रगामी तरंगे वो होती हैं जो दीवारों पे क्या बनाती हैं, नोड बनाती हैं। तो ये अगर हमारा जो घनाकार क्वार्टर है उसकी अगर दीवार है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो नोड कैसे बन सकता है, नोड या तो ऐसे बन सकता है अपनी तरंग इस प्रकार से हो, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू वन। या क्या हो सकता है, या इस प्रकार से भी नोड बन सकते हैं, इसके लिए हमारा एन इज इक्वल टू कितना होगा, टू होगा। या इस प्रकार से भी नोड बन सकता है, इसके लिए हमारा n इज इक्वल टू कितना होगा, थ्री होगा। तो जब n इज इक्वल टू वन है इस प्रगामी तरंग के लिए, तब लैम्डा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये जो तरंग की लंबाई है ये किसके बराबर है, लैम्डा बाई टू के, है कि नहीं है, अर्ध तरंग है। आपको पता है एक पूर्ण तरंग किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, तो ये क्या है, आधी तरंग है, तो इसलिए लैम्डा बाई टू हो गया। और ये किसके बराबर है, ये दूरी किसके बराबर है, ए के बराबर है, घन की भुजा की, तो ए। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू टू ए। आएगा कि नहीं आएगा, कब, जब आपका एन इज इक्वल टू क्या है, वन। एन इज इक्वल टू टू है उस केस में, देखो आप ये एन इज इक्वल टू टू के लिए है, उस केस में ये जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक क्या है, एक पूर्ण तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस बार क्या है, लैम्डा वो किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, टू बाई टू, कोई दिक्कत इसमें। ये कब था, जब अपना एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए देखो, आधी तरंग, आधी तरंग और आधी तरंग कितनी हो गई, थ्री लैम्डा बाई टू हो गया, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू टू ए बाई थ्री। ये कब है, जब अपना एन इज इक्वल टू थ्री है। इस प्रकार से हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न ये बन रहा है कि लैम्डा हमारा किसके बराबर है, टू ए अपॉन एन के बराबर है कि नहीं है। देखो जब एन इज इक्वल टू वन था तो एन की वैल्यू वन, टू था तो टू, थ्री थ्री। इसका मतलब अगर अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा तो उसका लैम्डा किसके बराबर आएगा, 2a अपॉन n आएगा। अगर ये हमारा जो घनाकार क्वार्टर है उसकी अक्ष दिशा है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, n अक्ष। इसी प्रकार से घनाकार क्वार्टर की y दिशा में लैम्डा निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2a अपॉन
एन वाई, और जेड दिशा में निकालूंगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2a अपॉन एन जेड। कोई दिक्कत इसमें यहां तक, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ये हमारा घनाकार क्वार्टर का जो कंसेप्ट था उसके बेस पे हमने लैम्डा निकाल लिया है। अब बात करते हैं अपन अप्रगामी तरंग की। अप्रगामी तरंग की, तो अप्रगामी तरंग है उसकी समीकरण क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन के डॉट आर कोस ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें? ये अप्रगामी तरंग की समीकरण है। अगर ये तरंग हमारी क्या है, थ्री डायमेंशनल वेव है, तो इसके लिए k हमारा किसके बराबर आएगा, k x i कैप प्लस k y j कैप प्लस k z k कैप, और r हमारा क्या आएगा, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो k डॉट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, k x इंटू x प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। ये हमारा किसके बराबर है, के डॉट आर के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या अपने पास यहाँ से? नहीं है। अगर मैं के निकालूँ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ तक? अब यहाँ पे के क्या चीज है, ये है हमारा तरंग संचरण नियतांक। क्या है, तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक के है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा है। अगर मैं यहाँ से k अक्ष निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन अक्ष डायरेक्शन में लैम्डा, वो क्या था, 2a अपॉन एन एक्स, 2a अपॉन एन एक्स। कोई दिक्कत? k y कितना आ जाएगा अपना, 2 पाई अपॉन 2a अपॉन इंटू एन वाई, और के जेड कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 2a डॉट एन जेड। तो ये कितना आएगा अपना, 2 से 2 कैंसिल, पाई अपॉन a इंटू एन एक्स, ये आ जाएगा पाई अपॉन a इंटू एन वाई, ये आ जाएगा पाई अपॉन a इंटू एन जेड। कोई दिक्कत? के एक्स के वाई के जेड तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे, रख देते हैं चलो। तो हमारे पास k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, kx स्क्वायर की वैल्यू पाई अपॉन a nx स्क्वायर, और पाई अपॉन a का भी स्क्वायर, प्लस पाई एन वाई अपॉन a की भी होल स्क्वायर, प्लस पाई एन जेड अपॉन a की भी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, k स्क्वायर के बराबर। तो पाई अपॉन a स्क्वायर सब में आ रहा है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये साइड में आएगा, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने सिंपली क्या किया है, के एक्स के वाई के जेड का मान रखा है, हम क्या निकाल रहे हैं, के की वैल्यू निकाल रहे हैं, और लैम्डा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से इस समीकरण से हमारे पास क्या आएगा, इस के को मैं न्यू के पदों में लिख लेता हूं। किसके पदों में लिखता हूं, न्यू के पदों में। तो के इज इक्वल टू क्या होता है अपना, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू हमारा होता है सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू। ये मान यहाँ रखेंगे अपन तो K कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, C इंटू न्यू। कोई दिक्कत इसमें? तो ये मान मैं यहाँ रख लेता हूँ इसके अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो समीकरण है वो बन जाएगी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कर स्क्वायर कर दूं मैं,
टू पाई न्यू अपॉन सी की स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये पाई से देखो पाई स्क्वायर है, ये भी पाई स्क्वायर, कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा टू ए स्क्वायर को अंदर लेके जाता हूँ स्क्वायर के, टू ए न्यू अपॉन सी की होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है हमारा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। यहाँ पे एन एक्स एन वाई और एन जेड है वो कैसे हैं देखो, यहाँ पे क्या मैंने एन की वैल्यू नेगेटिव रखी है, क्या एन की वैल्यू जीरो रखी है, नहीं रखी ना, इसका मतलब एन एक्स एन वाई एन जेड हैं तीनों, ये हमारे क्या हो सकते हैं वन टू थ्री फोर कैपिटल एन तक पूर्णांक राशि हो सकती है, जीरो ये नहीं हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इस ये समीकरण है ये हमें इस फॉर्मूले तक पहुँचाएगी, कैसे पहुँचाती है चलो देखते हैं, आराम से आपको ध्यान से समझना है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये समीकरण हमें क्या बता रही है, ये समीकरण किस चीज की समीकरण है, ये एक गोले की समीकरण है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर गोले की समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, होता है नहीं होता, गोले की समीकरण यही होती है। इस समीकरण से अगर मैं इसकी तुलना करता हूं तो हमारे पास तीन चर कौन कौन से हैं, एन एक्स एन वाई एन जेड तीन चर हैं, और उस गोले की त्रिज्या क्या आ रही है अपनी, वो आ रही है हमारी टू ए न्यू अपॉन सी, आ रही है कि नहीं आ रही, और इस गोले ये गोले की जब समीकरण होती है तब गोले का केंद्र क्या होता है अपना मूल बिंदु ओरिजिन होता है, जीरो जीरो होता है, होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार से अगर मैं ये समीकरण है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एक गोले के अंदर जीरो से लेके इस त्रिज्या के बीच की दूरी बता रहा, बता रहा कि नहीं बता रहा भाई, ये जो समीकरण है वो गोले का समीकरण है और जिसकी त्रिज्या क्या है ये है, इसका मतलब ये समीकरण हमें ऐसा कुछ बता रहा जिसका ओरिजिन ये है और इसकी त्रिज्या है वो क्या है टू ए न्यू अपॉन सी है कि नहीं है। लेकिन इस पे देखो अब एक कंडीशन लगा रखी है, अपना जो गोला है उस गोले के अंदर तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहां अपने पास एक कंडीशन लगी हुई है, वो कंडीशन क्या है कि ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो सकती है, इसका मतलब इस गोले का कितना पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक बटा आठ बार, इसका मतलब इस गोले का जो आयतन का एक बटा आठ भाग है वो हमारे काम का है, क्या है इस गोले के आयतन का एक बटा आठ भाग है उसी से हमें मतलब है, बाकी से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों क्या है हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशियां हैं। अब देखो ये हमें बता रहा है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इस समीकरण का, इस समीकरण का फिजिकल मीनिंग ये है कि ये हमें जीरो से न्यू आवर्ती, जीरो से न्यू आवर्ती के मध्य परगामी तरंगों की संख्या को बता रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा, तरंगों की संख्या को बता रहा है, कैसे जीरो से न्यू आवर्ती, यहां पे न्यू है, जीरो से न्यू आवर्ती के मध्य इस गोले के अंदर कितने पॉइंट हैं जिनके लिए एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है पॉजिटिव है, वो संख्या हमें क्या बताएगी,
परगामी तरंगों की संख्या बताएगी, तो उसका मान निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, इसके बराबर आएगा 1/8 × गोले का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 π। गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 2a(ν/c), 2a(ν/c की क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, इस गोले के अंदर 0 से ν आवृत्ति की परगामी तरंगों की संख्या आ गई। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा 1/8 × 4/3 π, 2a(ν) क्या हो जाएगा 8a³(ν³/c³ आएगा या नहीं आएगा। ये हमारी इसके अंदर परगामी तरंगों की क्या है संख्या, या फिर इसको कंपन विधाएं भी बोल सकते हैं, कंपन विधाओं की संख्या किसमें 0 से ν आवृत्ति के मध्य हो जाएंगी। ये आगे हमारे पास संख्या, इसको सोल्व करते हैं अपन, तो 8 से 8 कैंसिल और क्या है हमारे पास बचेगा 4a³(ν³) और क्या है पाई भी है साथ में अपने पास √3c³। कोई चीज़ छूट ना जाए अपना ध्यान रखना, अगर कोई छूट जाए तो अपन बाद में करेक्ट कर लेंगे उसको। 4π था वो ऑलरेडी अपने पास, ये r की वैल्यू पुट कर दी है हमने, 8 से 8 काट दिए हैं, 4π a³(ν³/3 नीचे था वो c³ आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये हमारा 0 से ν आवर्ती के मध्य प्रगामी तरंगों की संख्या है। अब ये चीज किसको बताता है, लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य बताता है कि नहीं बताता। अब हमें भी क्या चाहिए, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती के मध्य परगामी तरंगों की संख्या, परगामी तरंगों की संख्या वो क्या हो जाएगी हमारी, ये 0 से ν के मध्य है, हमें चाहिए किसमें, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू के मध्य। इसका मतलब क्या कर दें हम, इसका अवकलन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, न्यू के रिस्पेक्ट में कर दो। देखें क्या आएगा अपने पास, 4/3 π a³(c³) क्या है, कांस्टेंट राशि है, न्यू क्यूब का अवकलन कितना आ जाएगा 3ν² d³ आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, अपने पास आ गया 4π a³(ν²)c³(d³। ये क्या है, ये न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ति के मध्य प्रगामी तरंगों की संख्या। हमें देखो ये क्या चीज है, ये घनत्व है ऊर्जा का, क्या है ऊर्जा का घनत्व है। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, तरंगों का संख्या घनत्व निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती के मध्य प्रगामी तरंगों का संख्या घनत्व, क्या चाहिए हमें, संख्या घनत्व चाहिए। तो घनत्व क्या चीज होती है, डेंसिटी, टोटल संख्या कितने आयतन में है, यही तो होता है घनत्व भाई, जो आपका जो संख्या है वो कितने आयतन में है, घनत्व का मतलब एकांक आयतन में। तो ये हमें पता है पूरे इस गोले के आयतन में संख्याएं थी, लेकिन हमने जो कर्षणिका है उसको क्या माना था, एक घनाकार क्वार्टर माना था, तो घन का आयतन कितना होता है, a³ होता है कि नहीं होता है। तो इस आयतन का मैं भाग दे दूं इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, एकांक आयतन में परगामी तरंगों की संख्या, जिसको हम क्या कह सकते हैं, संख्या घनत्व है, अर्थात न्यू एवं न्यू वो लिखा हुआ ऑलरेडी, संख्या घनत्व है, तो वो कितना हो जाएगा, इसमें भाग देते हैं अपन a³ का, तो संख्या घनत्व कितना आ जाएगा हमारा 4π a³ का भाग लगेगा कट जाएगा √ν² c³ d³। ये क्या आ गया हमारा, परगामी तरंगों का संख्या घनत्व, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब हम हमारी मंजिल तक लगभग पहुँच चुके हैं, हमें क्या चाहिए था, इस कर्षणिका में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व मतलब इस कर्षणिका के
एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, उसी को कहते हैं अपन ऊर्जा घनत्व। तो इस कर्षणिका के एकांक आयतन में कितनी तरंग है वो हमने निकाल ली, कितनी है, इतनी है। और इस उन्होंने एक अजम्पशन और लिया था कि प्रत्येक तरंग के साथ ऊर्जा के सम विभाजन नियम से ऊर्जा कितनी जुड़ी हुई है, केटी जुड़ी हुई है। तो अगर मैं इसको केटी से गुणा कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊर्जा घनत्व बन जाएगा। अर्थात न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती अंतराल में ऊर्जा घनत्व वो कितना हो जाएगा अपना यू न्यू डी न्यू। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, न्यू आवर्ती, डी न्यू आवर्ती अंतराल में। ये किसका बराबर, किसके बराबर होगा, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती में परगामी तरंगों का संख्या घनत्व इनटू गुणा में क्या चीज है, ऊर्जा, एक तरंग की ऊर्जा। ये मान रख देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती में प्रगामी तरंगों का संख्या घनत्व कितना आया था, ये आया था, रख दो मान में, फोर पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू इनटू एनर्जी कितनी है, के टी है। अब इसमें हम एक चीज और मिस कर चुके हैं, वो चीज क्या है हमारी, अप्रगामी तरंग है उनकी ध्रुवण की प्रकृति कितनी, कैसी होती है, उसमें दो प्रकार का ध्रुवण पाया जाता है। तो अगर मैं कुल तरंगों की संख्या यहां निकालता तो क्या करता, इसको दो से गुणा करता, किसकी वजह से, परगामी तरंग के ध्रुवण के कारण, क्या आता, दो आ जाता, तो दो आता तो इसको क्या लिख देते अपन, फोर इंटू टू, ये हो जाता अपना एट पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अभी अपना एट पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एट पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ये हमारा क्या है, रेले जिन्स का नियम है, जो किसको बताता है, न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती के मध्य कर्षणिका में ऊर्जा घनत्व को बताता है। अब हमें चाहिए किसमें, लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा अंतराल, किसमें चाहिए, लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा अंतराल में। तो क्या कर दें अपन, न्यू को रिप्लेस कर दें किससे, लैम्डा से, यही तो करना है, बाकी हमारा काम हो चुका है ऑलरेडी। तो हमारे को अब चाहिए किसमें, ये लैम्डा के पदों में। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, डी न्यू कितना हो जाएगा, सी लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन इनटू डी लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा का अवकलन क्या होता है, माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ से ये मान उठा के इसके अंदर रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाई के टी अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर। तो न्यू का मान कितना था, सी अपॉन लैम्डा की स्क्वायर हो जाएगा, न्यू स्क्वायर कर दिया, डी न्यू, डी न्यू की वैल्यू क्या अपनी, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, क्या जाएगा अपना एट पाई के टी अपॉन क्या जाएगा, सी स्क्वायर और एक सी, सी की क्यूब कैंसिल, नीचे क्या है लैम्डा स्क्वायर और एक ये रहा लैम्डा स्क्वायर, कितना है लैम्डा की पावर फोर डी लैम्डा, ये हमारा है यू लैम्डा डी लैम्डा के इक्वल है। तो ये जो दोनों नियम हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेले जीन्स के नियम
कहलाते हैं, ये आवर्ती के पदों में है और ये हमारा किसके पदों में है, तरंग दैर्ध्य के पदों में है। अब हम देखते हैं कि ये नियम है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अपना स्पेक्ट्रम कैसा था, इस प्रकार का था, इधर हमारा ई लैम्डा डी लैम्डा था और ये क्या था हमारी तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी। तो इस ग्राफ से अगर मैं निकालता हूं यू लैम्डा डी लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो पे ये ग्राफ क्या होगा, अनंत। इसकी वैल्यू अनंत होगी या नहीं होगी, इसका मतलब ये होना कैसे चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो पे रेले जीन्स के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है, लेकिन जब लैम्डा की वैल्यू अनंत है तो जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए तो सही है, क्योंकि दीर्घ तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा की वैल्यू जब बहुत ज्यादा है उस केस में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस ग्राफ में जो अपना कृष्णिका का स्पेक्ट्रम था उसमें भी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए इसकी वैल्यू क्या थी, कम हो गई थी। इसका मतलब वहां पे ये ग्राफ अपना सही है, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे जब अपनी लैम्डा जीरो के अप्रोक्सीमेट है तो ये जो अपना रेले जीन्स का नियम है उसके अकॉर्डिंग अपनी ई लैम्डा डी लैम्डा किधर जानी चाहिए, अनंत को जानी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा अपना जो प्रायोगिक ग्राफ था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। इस प्रकार रेले जीन्स के नियम ने कृष्णिका के उच्च तरंग दैर्ध्य प्रास वाले भाग को तो समझा दिया लेकिन निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रास को नहीं समझा पाया। दूसरी चीज इसके अंदर एक चीज और नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये, वो क्या थी, हमने निकाली थी टोटल एनर्जी ई थी, वो हमने क्या किया था ई लैम्डा डी लैम्डा का समाकलन किया था जो हमारी किसके बराबर आई थी, सिग्मा टी के पावर 4, जिसको हमने स्टीफन का नियम कहा था। लेकिन यहाँ पे देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे जीरो से अनंत के मध्य तो ये वैल्यू है हमारी किसको अप्रोच करेगी, अनंत को अप्रोच करेगी, लेकिन ये अनंत नहीं होनी चाहिए थी, तो इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेले जीन्स का नियम है ये भी कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम है उसको आंशिक रूप से एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लांक का विकिरण नियम जो इस ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा। तो थैंक यू।